अस्सलाम जी वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे इस वाले ब्लॉग का पिछले 4 महीने से इंतज़ार कर रहे होंगे। आज के ब्लॉग का जो हमारा मेन फोकस है ना, वो है पीआरपी ट्रीटमेंट के ऊपर। पीआरपी ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं कि प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, वो ट्रीटमेंट काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने बालों की वजह से थोड़ा सा परेशान होते हैं, जैसे कि मैं भी। और मैंने वो पीआरपी ट्रीटमेंट जो है वो अब करवाया, और इसके 3 सेशंस जो हैं वो मैंने करवाए हैं। पहले 2 सेशंस मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तीसरे सेशन आज मेरा तीसरा सेशन है, और ब्लॉग का स्टार्ट भी मैं आज ही कर रहा हूँ। पीआरपी ट्रीटमेंट को आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊँ तो वो ये है कि आप ही बॉडी से ब्लड लेंगे, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से जो प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा जो होगा ना, वो आपके जो स्कैल्प है उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही अब वो स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं ना प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा को, तो ब्लड फ्लो जो है वो आपके स्कैल्प में बढ़ता है, और इससे बालों की जो है वो नरिशमेंट होती है, और बालों की नरिशमेंट की वजह से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन सारी की सारी ग्रोथ जो है वो पीआरपी के ऊपर जो है वो मैटर नहीं करती, क्योंकि पीआरपी के साथ साथ आपको कुछ बायोटिन्स, कुछ जिंक के जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेने पड़ते हैं। उसके अलावा कुछ बायोटिन वाले स्प्रेज यूज़ करने पड़ते हैं, या मिनोक्सिडिल स्प्रे यूज़ कर सकते हैं आप, और वो जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे आपने वो स्प्रे जो है वो यूज़ करना होगा, या वो सप्लीमेंट जो है वो लेना होगा, तो वो आप साथ साथ लेते रहेंगे। और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मतलब अगर आप ये देखें कि सिर्फ 3 सेशंस के बाद आप समझे कि आपके बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब तक सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, तब तक आपके बाल ठीक है। क्योंकि अगर आपकी जीन्स में लिखा है कि बाल आपके गिरने ही गिरने हैं, तो वो लाजमी गिरने हैं, वो रुक नहीं सकते। लेकिन जो हैं, जो बचे हुए हैं, वो थोड़े से उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाएगी, और वो थोड़े से उनकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। इवन आपको पीआरपी करवाने के बाद डैंड्रफ भी आपके सर में हो सकती है, तो उसके लिए भी वो शैम्पूज आपको यूज़ करने पड़ते हैं। साथ साथ आप शैम्पू जो है वो बायोटिन वाले भी यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती हैं, और इन सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। अब ये है मेरे सप्लीमेंट्स जो मैं ले रहा हूँ साथ। अब इसमें जो है ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। अब इसमें जो बेसिकली चीज़ जो ज़्यादा मैटर करती है ना, वो है बायोटिन और जिंक सल्फेट। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बालों की ग्रोथ के लिए। बाकी एडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि वो भी बहुत ज़रूरी हैं बॉडी के लिए। अच्छा, आप सप्लीमेंट्स के जो ब्रांड्स हैं ना वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स आप ये देख सकते हैं कि आपको जो ब्रांड सूटेबल हो, मतलब प्राइस रेंज में आपकी आ रहा हो, लेकिन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपने उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जो आपके बालों के लिए ज़रूरी हैं इंग्रेडिएंट्स, वो आपने लाजमी लेने हैं। अब उसमें फिर अब थोड़े से एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स भी आते हैं, या कुछ नॉर्मल रेंज के भी आते हैं, जो आपको सूटेबल रहे वो आप ले सकते हैं। अभी वीडियो के अंदर आपको लग रहा होगा कि मेरे बालों में कोई इतना फ़र्क आया नहीं है, और वो इतनी जल्दी आता भी नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 सेशन हुए हैं 15 डेज़ के गैप के साथ। तो अब थर्ड सेशन करवाना है, उसके बाद सप्लीमेंट्स जो है वो तकरीबन कोई 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स चलते रहेंगे, या 6 मंथ्स तक भी जा सकते हैं, तो उसके बाद ही कुछ जो है वो पता चलेगा। लेकिन वही है कि अगली वीडियोज़ के अंदर वो मैं साथ साथ दिखाता रहूँगा कि कितना फ़र्क आ गया बालों में, या आया भी है या नहीं आया, मतलब पीआरपी करवाना ज़रूरी है भी सही या नहीं। ठीक है, लगाया हुआ था फेस पे फाइजर ब्यूटी क्रीम नमिंग क्रीम है, फेस को नम करने के अच्छा ये वो बाद जाइलो फिर जाइलोइड नम हो लगाई जाएगा। आपने, जाइलोइड क्रीम लगाई उससे भी नम करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक होती है। अब वो जल्दी सी हो गई, अभी मेरी पीआरपी सोनी है होगी छोटी और ये बच्ची, लोग वेट करेंगे दोनों यहाँ पे, और मेरी पीआरपी होगी फर्स्ट। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं मम्मी होता तब तक हम चेयर पे बैठ के मिली होते हैं। मेरे जो पीआरपी थी ना वो सिर्फ 10 to 15 मिनट्स की थी, और अब मैंने पीआरपी करवा ली, माइक्रो नीडलिंग करा ली है, तो अब मैं फ्री हूँ। और ये इस तरह से अभी मैंने कैप पहन ली, सर्जिकल कैप पहन सकते हैं, लेकिन ये कि अवॉइड करना, फिर भी पसीना ना आए, ज़्यादा ना आए, कर सकते हैं कैप पहन सकते हैं, लेकिन पसीना ना आए। जैसे आजकल गर्मी है तो पसीना नहीं आना चाहिए था ज़्यादा, पूरा साल ही रहती है। ठीक है, डैंड्रफ के लिए अब हम निकलते हैं अपना थर्ड सेशन कंटिन्यू करने के लिए, वहाँ पे जाके आपसे मुलाकात होती है। ये एक्टर्स भी यहाँ से करवाते हैं आके ट्रीटमेंट अपना। इस एक्टर ने भी यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया, इसने भी यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया, फ्यूचर का टॉप एक्टर भी यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया। क्यों, तो मैं सही कह रहा हूँ ना? कौन सी मूवी?
मैंने अपना इंतहाई अहम असासा जो है वो डोनेट कर दिया अपने ही बालों के लिए, और तुम्हारे मेरे बाल बाल जो हैं थोड़ा तुम्हारे बाल तुम्हें दुआ ऊंचा बोलो, मेरे बाल मुझे दुआ देंगे। ज़रा मैं किसी दिन तला पे भी पूरा व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि तला जो है वो फेस की PRP और सब्सीजन करवा रहा, और इसका सेकेंड सेशन है, और इसने भी अब ब्लड देना है। देखते हैं इसके साथ क्या बनता है। लास्ट टाइम ये ब्लड देने आया था तो इसने पानी इतना ज़्यादा नहीं पिया हुआ था, तो इसकी डिहाइड्रेशन हुई भी थी, ब्लड इसका निकला नहीं बाहर, तो इस वजह से इन्होंने इसको वापस भेज दिया था। अब इसका सेकेंड सेशन है, हाँ जी अपने ले कैसे दो अपने उसका ब्लॉग का। नॉन PTA फ़ोन वालों की सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन बात ये होती है कि आपको दो दो मोबाइल रखने पड़ते हैं, एक टूटा हुआ जो PTA प्रूफ होता है, और एक जिससे आप ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं। क्या आईफोन से बेहतर है मेरा सैमसंग नोट नहीं 20? नहीं किसने कहा आपको? बिल्कुल भी नहीं। मेरा जो नोट 20 है ना, वो आपके आईफोन से बहुत बेहतर है। आपके आईफोन में चांद की तस्वीर आती है? मेरी तस्वीर देख आती है। लेना। हाँ जी हाँ जी मैं देख रहा हम दोनों का ही ट्रीटमेंट जो है वो मेरा तो फाइनल हो गया, तला का आज सेकंड था, तला ने 15 दिन बाद दोबारा आना है, और अब मेरा तो हो गया ट्रीटमेंट। अब मैं आगे सिर्फ सप्लीमेंट्स और स्प्रे यूज़ करके देखूंगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। बाकी फिर टाइम टू टाइम आपको मैं अपना रिव्यू देता रहूँगा इस अपने दूसरे ब्लॉग्स के अंदर, कि मेरे बालों में कितना इफेक्ट आया है, अच्छा इफेक्ट आया कि नहीं आया। घर पहुँच गए थे और हॉस्पिटल से पहले लेट हो गया हूँ, तो अब निकलते हैं। हॉस्पिटल से पहले लेट हो गए और बारिश भी शुरू हो गई हल्की हल्की, तो अब निकलता हूँ मैं।